चुनावी राज्य में पार्टी बदलने का दौर लगातार चालू है, जहां कभी आप पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कभी बीजेपी नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि अब हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में दोबारा वापसी कर सकते हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के अपने समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों में लोग आते जाते रहेंगे, ये पहली बार नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। कहीं और जाना हो तो हथकड़ी नहीं लगाऊंगा, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। सिंधिया परिवार किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं रखता, कूटनीति में सिंधिया परिवार की कोई पकड़ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राजनीति में लोग आएंगे और जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं और पहली बार भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि आपका मन है कहीं और जाने का तो मैं हथकड़ी लगाकर तो आपको नहीं रोकूंगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मैं इतना ही कह सकूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंधिया परिवार किसी से दुर्भावना नहीं रखता है, आप अपनी इच्छा से यहाँ जुड़ेंगे और अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसे ध्यान में रखकर राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज है। इसे ध्यान में रखते हुए दल बदल का दौर भी शुरू है। सीएम शिवराज सिंह द्वारा जनहित में घोषणाएं की जा रही है, तो वहीं राज्य के कांग्रेस नेता कमलनाथ लगातार शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में बीजेपी के समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान देते हुए कहा है कि पार्टी बदलने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, उन्हें रोका नहीं जाएगा।